एंड द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। द ग्रास होपर एंड द एंट। वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास होपर। ही डिडंट लाइक टू वर्क। ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन। एक बार एक लेजी यानी आलसी ग्रास होपर रहता था। उसे वर्क यानि काम करना पसंद नहीं था। ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स। पूरा दिन वो गाना गाते रहता था एंड प्लेड खेलता रहता था सनशाइन में यानि धूप में। ही लुक एट मी आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। फिर ग्रासोपर कहता है मुझे देखो मैं कितना हैप्पी हूँ यानि खुश हूँ। द ग्रासोपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट। फिर ग्रासोपर था वो हंस रहा था हार्ड वर्किंग यानि मेहनती एंट्स के ऊपर जो दिन रात वर्क कर रही थी उस पे। वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। फिर ये एंट्स थी वो ग्रासोपर से कहती है कि हम ग्रेन्स यानि अनाज स्टोर कर रहे हैं विंटर के लिए। द लेजी ग्रासोपर ओनली लाफ्ड आउट लाउडर। फिर ये ग्रासोपर और जोर से हंसने लगा। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। द ग्रासोपर इज नाउ वरीड। देर इज नो फूड टू ईट। नो ग्रास नो लीव्स आई विल डेफिनेटली स्टार्व। फिर ये ग्रासहोपर कहता है कि समर एंड हो गया एंड अभी विंटर आ गया। फिर ग्रासहोपर को टेंशन होने लगी वरीड यानी टेंशन। वो सोचने लगा कि मेरे पास अभी ना ही खाना है ना ही कोई ग्रास है और ना ही कोई लीव्स यानी पत्ते हैं। आई विल डेफिनेटली स्टार्व यानि अभी मैं पक्का भूखा रह जाऊँगा। द ग्रासहोपर रिमेम्बर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। ही नॉक्ड एट हर डोर। डियर एंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड। आई हैव नथिंग टू ईट। प्लीज़ गिव मी सम फूड। फिर ये ग्रासहोपर को याद आ गया कि कैसे ये मेहनती हार्डवर्किंग एंट ने ग्रेन्स यानि अनाज विंटर के लिए स्टोर किया था। फिर ग्रासहोपर ने उसके डोर पे नॉक किया उनका दरवाज़ा खटखटाया और कहा डियर एंट आई एम हंग्री मुझे भूख लगी है एंड कोल्ड और मुझे ठंड भी लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। प्लीज़ गिव मी सम फूड मुझे कुछ खाना दे दो। द एंट शुक इन एंगर। फिर ये एंट ने शुक यानि पलटना मुँह फेर लिया गुस्से से। एंगर यानि गुस्से से। लेजी वन व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। फिर एंट ने ग्रासहोपर से कहा आलसी तुम पूरा समर क्या कर रहे थे। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। तुम सिर्फ गा रहे थे और डांस कर रहे थे। यू शुड हैव थॉट अबाउट द कोल्ड विंटर अहेड। आपको विंटर के बारे में आगे सोचना चाहता था। गो अवे यहाँ से चले जाओ। शी स्लैम्ड हर डोर शट। उसने अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। द लेजी ग्रासहोपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। फिर ये ग्रासहोपर भूखा ही रह गया पहले जैसे। बट फिर लास्ट में ये दयालु एंट ने ग्रासहोपर को खाना खिलाया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड टुमोरो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टूडे। अगर आपको कल के लिए सफलता चाहिए तो आपको आज से ही काम करना होगा। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। हार्ड वर्किंग यानि मेहनती। अराइव्ड यानि आना। स्टार्व मीन्स टू सफर फ्रॉम हंगर।
याने भूखा ही रह जाना। स्लैम्ड मीन्स टू शट इन एंगर, याने गुस्से से बंद करना। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। क्वेश्चन वन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द डैश ग्रासहॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर। सो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, ग्रासहॉपर कैसा था, लेजी। सो हम आंसर में लिखेंगे द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर। सेकेंड, द डैश ब्लो स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्गली ब्लो होता है, विंड। सो हम आंसर में लिखेंगे द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग। थर्ड वन, द ग्रासहॉपर नाउ बिगेन टू डैश, अभी ग्रासहॉपर क्या करने लगा था, वरी। सो हम आंसर में लिखेंगे द ग्रासहॉपर नाउ बिगेन टू वरी। फोर्थ वन, द एंट डैश इन एंगर, अभी गुस्से में एंट ने क्या किया, शुक। सो हम आंसर में लिखेंगे द एंट शुक इन एंगर। फिफ्थ वन, वी आर स्टोरिंग डैश फॉर लॉन्ग विंटर, अब ये एंट क्या स्टोर कर रही थी विंटर के लिए, ग्रेन्स। सो हम आंसर में लिखेंगे वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। सो फर्स्ट पिक्चर इज विंटर, सो हम विंटर को विंटर के साथ मैच करेंगे। देन सेकेंड पिक्चर इज ग्रासहॉपर, सो हम ग्रासहॉपर को ग्रासहॉपर वर्ड के साथ मैच करेंगे। थर्ड वन, थर्ड पिक्चर इज एंट, सो हम एंट को ए एन टी एंट वर्ड के साथ मैच करेंगे। फोर्थ पिक्चर इज समर, सो हम समर को समर के साथ मैच करेंगे। देन फिफ्थ पिक्चर इज ग्रेन्स, सो हम ग्रेन्स को ग्रेन्स वर्ड के साथ मैच करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स। सो किड्स यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड को राइट टिक करना है। सो फर्स्ट वन इज द एंट्स वर्ड स्टोरिंग जी आर ए आई एन एस ग्रेन्स स्लैश जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स फॉर विंटर। सो विंटर के लिए वो क्या स्टोर कर रहे थे, ग्रेन्स। सो हम ग्रेन्स के ऊपर राइट टिक करेंगे। सेकेंड वन, ग्रासहॉपर वेंट टू एम डबल ई टी मीट, यानि किसी से मिलना, स्लैश एम ई ए टी मीट यानि फ्लैश इट्स काइंड नेबर। सो द करेक्ट वर्ड इज एम डबल ई टी मीट, सो हम मीट पे राइट टिक करेंगे। थर्ड वन, ग्रासहॉपर हैज नथिंग टू ईट ई ए टी ईट स्लैश बी ई ए टी बीट, सो द करेक्ट वर्ड इज ई ए टी ईट, सो हम ईट पे राइट टिक करेंगे। फोर्थ वन, द एंट वर्क एच ए आर डी हार्ड स्लैश एच आई जी एच हाई, द करेक्ट वर्ड इज एच ए आर डी हार्ड, सो हम हार्ड पे राइट टिक करेंगे। फिफ्थ वन, द ग्रासहॉपर लाफ एट द हार्ड वर्किंग ए एन टी एस एंट्स स्लैश ए यू एन टी एस आंट्स, द करेक्ट वर्ड इज ए एन टी एस एंट्स, सो हम ए एन टी एस एंट्स पे राइट टिक करेंगे। Here we end our learning. I hope you all have understood. If you cannot understand, you can see the video again. After seeing the video, I have attached one assignment for you. I hope you will complete it.